क्वांटिटी को चेक करना, क्वालिटी को चेक करना, और ड्यूटी जो है मतलब टैक्स जो है वो सही में पे किया गया कि नहीं। प्लस में कोई भी सामान जब आता है तो वो परमिशन पे आता है, यानी एक डेस्क जॉब और एक फील्ड जॉब। तो डेस्क जॉब में जो रहेंगे वो आप उस पर असेसमेंट करेंगे, उस पर असेसमेंट होगा, उस पर केस फाइल होगा, कितने चार्जेस लगाना है वगैरह वगैरह, वो सब अपील वगैरह होगा, तो अपील का सेक्शन वहाँ, कुछ विजिलेंस इंक्वायरी किसी में बैठेगा, ऑडिट होगा, और वो कंटेनर जो है वो चला जाता है फिर कहाँ पे, इनलैंड कोर्ट। बस एग्जामिनर नहीं करते हैं ये काम, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी करता है ये काम, अप्रेजर भी करता है ये काम, एग्जामिनर भी करता है ये काम, आपका सुपरिटेंडेंट भी करता है। नासीन में जो होता है वहाँ पे दो चीज़ सिखाया जाता है जनरली, ठीक है, दो एक्ट होता है, एक होता है कस्टम्स एक्ट 1962, याद रखिएगा कस्टम्स एक्ट 1962, और दूसरा होता है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। अप्रेजर के लिए मान लीजिए कि मैक्सिमम अगर देखें तो 5 साल, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर 10 साल, 15 साल हो गया, 15 के बाद 6-7 साल मान लीजिए आप डिप्टी कमिश्नर पे, 15-6-21, और 6-7 साल मान लीजिए आप ज्वाइंट कमिश्नर पे, यानी एक भी काम करने का आपको 3 साल मौका मिलेगा। फिर कभी सीबीआई का आएगा तो आप सीबीआई में भी जा सकते हैं, तो सीबीआई में जैसे ही आएगा तो फिर आप सीबीआई में अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो सीबीआई भी 3 साल के लिए घूम लीजिएगा, इधर एग्जामिनर भी, इधर ईडी भी। तो एक्सपोजर इसमें बहुत ज्यादा, अगर आपको मतलब आप वर्कहोलिक हैं और आप अपने लाइफ में एक्सपोजर चाहते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम करूँ, मजा आएगा, सारे डिपार्टमेंट का काम सीखूँ, इसका भी मेरे पास आई कार्ड, उसका भी आई कार्ड, उसका भी आई कार्ड होगा, तो आपके लिए एग्जामिनर बहुत अच्छा। हेलो एवरीवन, मैं विवेक राही स्वागत करता हूँ आपका फिर से एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक के बारे में, जो होगा एग्जामिनर के बारे में। हाँ जी, आपने सही सुना, एग्जामिनर के वर्क प्रोफाइल के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं पीएसए का वर्क प्रोफाइल जो कि प्रिवेंटिव ऑफिस जो सॉरी पीएसए जो पोस्टल असिस्टेंट है कुमार जैक, उनके साथ बनाया था, वो देखे थे आप लोग। फिर मैं अभी हाल फिलहाल में पीओ का बनाया था, प्रिवेंटिव ऑफिसर का, प्रिवेंटिव ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल, ठीक है, ज्वाइनिंग से पहले ही बनाया था, जिसमें बहुत लोगों ने आप लोग का प्यार बहुत ज़्यादा मिला उस वीडियो पे, ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को। और ये अभी मैं आप लोग का कमेंट आया था ढेर सारा कि सर एग्जामिनर का बना दो या एग्जामिनर वर्सेस पीओ वैसे करके दिखा दो कि दोनों में क्या अंतर है नॉर्मली, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों कोर्ट पे ही होते हैं, ठीक है। तो पीओ के बारे में बताया था कि पीओ क्या करते हैं, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एग्जामिनर के बारे में, एग्जामिनर क्या करते हैं एक्चुअली कोर्ट पे रह के, या फिर उनका ऑफिस जॉब होता है या एयरपोर्ट पे होता है या पोर्ट पे होता है या इनलैंड पोर्ट्स पे होता है, कहाँ होता है वो सब हम आगे में चर्चा करेंगे, किस किस सिटी में उनकी पोस्टिंग होती है उसके बारे में देखेंगे, यूनिफॉर्म्स के बारे में देखेंगे, उनका यूनिफॉर्म जैसे पीओ में तो यूनिफॉर्म होता है वाइट ड्रेस, आप लोग पता होगा वाइट कलर ड्रेस होता है, जैसा कि एक्साइज में होता है खाकी वर्दी, पीओ में होता है वाइट कलर ड्रेस, लेकिन इसमें किस कलर का ड्रेस होता है या नहीं होता है, प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है उसके, सैलरी वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ प्रोज है कुछ कौन सा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और भी ढेर सारा चीज़ चर्चा करेंगे कि क्या क्या एक्ट पढ़ना पड़ता है आप लोग को, क्या क्या क्या। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि बाकी सारे वीडियोस जो भी पीओ से रिलेटेड है, पीएएसए से रिलेटेड है, और भी किसी बाकी सभी डिपार्टमेंट का मैं जल्दी डालने वाला हूं, ठीक है, धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट का डालूंगा। और दोस्तों ऐसा है कि मतलब मैं बहुत गहन स्टडी करता हूं, स्टडी तो करता ही हूँ, साथ में मैं जो भी पीओ है या जो भी पीए है या जो भी एग्जामिनर है या किसी भी डिपार्टमेंट का बनाऊँ अगर, तो उनके डिपार्टमेंट के उनके जो भी जो पहले से काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे बात करता हूँ, उनसे सारा चीज़ करता हूँ, तो एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इतना जो मैं मेहनत करता हूँ या आप लोग को दिखता भी होगा ऑब्वियस है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उससे क्या है दोस्तों को भी मोटिवेशन मिलता है, या जो एग्जामिनर में लगने वाले हैं या जो लग चुके हैं उनको एक ओवरव्यू मिलता है कि मेरे को काम क्या करना है, ठीक है, जो ऑलरेडी ज्वाइन है वो तो जानते ही हैं, जो नहीं ज्वाइन होते हैं तो एक मिथ टाइप का बना रहता है हमेशा कि क्या काम करना होगा, ठीक है, पीओ जैसा काम करना होगा या एक्साइज, कहीं कहीं पता चलेगा कि पीओ जो है वो भी एक एग्जामिनर का काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है, वो सारी बातों में मैं बताऊँगा, ठीक है, वीडियो में। बस यही आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी जेन्युइन है, ठीक है, आपको अगर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लगे तो आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कोई भी कमेंट रहे रिगार्डिंग दैट, आपको पता है मैं कमेंट का हमेशा रिप्लाई करते रहता हूँ, ठीक है, जब भी मैं देखता हूँ, तो कुछ भी रहे तो आप कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट रहे तो मैं बताऊँगा उसको। चलिए आते हैं एग्जामिनर के बारे में, सिलेक्शन कैसे होता है एग्जामिनर का, ये सबको पता होगा क्योंकि एसएससी का होता है, वो बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं कि एसएससी में कौन कौन सा एग्जाम होता है वगैरह वगैरह, ये आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद पीटी होता है, मेंस होता है, डिस्क्रिप्टिव था जो भी हट गया, अब आगे आने वाले सालों में डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट वगैरह वगैरह, उसके बाद भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आप चेक कर सकते हैं, हाइट वेट कुछ रहता है, वॉकिंग होता है, साइकिलिंग होता है, जैसा कि जैसा पीओ का होता है ना, जस्ट वैसे एग्जामिनर का भी लगभग होता है, लगभग क्या होता ही है, ऐसा ही होता है, ठीक है, कंप्लीट वैसा ही होता है। तो अगर फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होता है, मेडिकल और फिजिकल कैसा होता है वो देखना है, तो आप मैं एक डाला हूँ फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट जो भी होगा, या डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये एक एक्सपीरियंस डाला हूँ जो अभी हाल फिलहाल में पीओ बने हैं चेन्नई में, निकेश कुमार, तो आप निकेश कुमार का वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है।
वो देख सकते हैं आप, उसमें आपको पता चल जाएगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या मांगते हैं, ठीक है। ग्रुप बी लेवल का नॉन गेस्टेड पोस्ट है, हाँ सही सुना आपने, ग्रुप बी लेवल का नॉन गेस्टेड, क्योंकि ग्रुप बी लेवल में गेस्टेड भी होते हैं और नॉन गेस्टेड भी होते हैं। जैसे कि मैं पीओ में बताया था कि पीओ में पीओ जो होता है ग्रुप बी लेवल का नॉन गेस्टेड, लेकिन जैसे ही आप सुपरिटेंडेंट बनते हैं, ठीक है, या फिर ये क्या कहते हैं उसको, इधर अप्रेजर बनते हैं, तो आप हो जाते हैं गेस्टेड, लेकिन ग्रुप बी गेस्टेड। ग्रुप गेस्टेड में भी ग्रुप ए और ग्रुप बी होता है, तो ग्रुप बी गेस्टेड, लेकिन एग्जामिनर जो है वो ग्रुप बी नॉन गेस्टेड है, ठीक है। बाकी सब भी अभी ग्रुप बी नॉन गेस्टेड ही होते हैं जनरली, ग्रुप बी और ग्रुप सी का होता है ये में क्या कहते हैं वो एसएससी के में, बस एक ही होता है गेस्टेड डबल ए ओ, जो कि आप लोगों को पता होगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो होते हैं वो ग्रुप बी ऑफिसर होते हैं, लेकिन गेस्टेड होते हैं 4800 ग्रेड पे, ठीक है। जो मेजर काम है, ठीक है, एग्जामिनर का, वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को चेक करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखना, ठीक है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या देखते हैं, सबसे पहले आते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आप लोग समझते हैं दोस्तों, भारत से मान लीजिए इंडिया है, इंडिया से कोई बाहर सामान जा रहा है दैट इज एक्सपोर्ट, और अंदर आ रहा है तो दैट इज इंपोर्ट। जब भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो एक ड्यूटी लगता है, ड्यूटी मतलब एक टैक्स लगता है, ड्यूटी टैक्स मतलब कह सकते हैं जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स जो होता है, ठीक है, वो लगता है, ठीक है। तो वो जो ड्यूटी है वो अच्छे से पे किया गया है कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए पे किया गया है 10 कंटेनर के लिए और आ रहा है 12 कंटेनर, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है। तीसरी बात, आर ड्यूटी पे किया गया है मान लीजिए कि कॉटन के लिए, सपोज कीजिए उसमें कॉटन और पेपर दोनों आ रहा है, ठीक है, तो क्वालिटी, या ड्यूटी चेक किया गया है सपोज कीजिए कि किसी और चीज़ के लिए कोई और चीज़ आ रहा है, ठीक है, या उससे हाई क्वांटिटी का है, उसका प्राइस कुछ डिफर है, उसमें कुछ अलग अलग माल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्वांटिटी और क्वालिटी और ड्यूटी टैक्स भरा है कि नहीं, ये चेक करना, यही एग्जामिनर का मेन काम है। होप सो आप लोग काम को समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइंड करता हूँ अपने बातों को, ठीक है, दूसरे स्टाइल में समझिएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ, सपोज कीजिए एक मर्चेंट का एग्जांपल लेते हैं, एक मर्चेंट जो है किसी कोई सामान बेचने जा रहा है, सामान बेचने जा रहा है, तो वो मान लीजिए रेडी लगा के बेच रहा है, तो जहाँ रेडी लगाता है तो उस हिसाब से मान लीजिए टमाटर बेच रहा है, तो टमाटर बेचने के लिए उसको बोलेगा कि हम 20 किलो टमाटर बेचेंगे, तो मान लीजिए कि कोई भी आसपास के लोकल्स होंगे या जिस दुकान के सामने वो बेच रहा होगा, दुकान वाला उसे बोलेगा कि पर किलो तुमको दो रुपया टैक्स देना पड़ेगा, टमाटर है तो, ठीक है, लेकिन प्याज डाल दोगे उसमें तो 5 रुपया देना पड़ेगा। सपोज कीजिए वो क्या किया कि टमाटर 20 किलो बेचा और 40 रुपये उसको दे दिया 2 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अगले दिन क्या किया कि अगले दिन वो टमाटर जो है वो टमाटर के साथ 5 किलो प्याज भी मिला दिया, चुपके से 15 किलो टमाटर और 5 किलो प्याज बेच दिया, लेकिन दिया 40 रुपया, तो वहाँ घाटा हो गया अपने को, उसको फायदा हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि 20 किलो ना बेच कर टमाटर क्या किया 25-30 किलो बेच दिया, ठीक है, और बोला कि हम 20 रुपया बेचें, तो वहाँ भी घाटा हो गया बंदे को और इसको फायदा हो गया। तो समझ रहे होंगे आप कि क्वांटिटी को चेक करना, क्वालिटी को चेक करना, और ड्यूटी जो है मतलब टैक्स जो है वो सही में पे किया गया कि नहीं, प्लस में कोई भी सामान जब आता है तो वो परमिशन पे आता है, ठीक है, मतलब उसका परमिशन होता है कि वो कस्टम डिपार्टमेंट से परमिशन लिया जाता है कि हम ये सामान लाना चाह रहे हैं या ये सामान भेजना चाह रहे हैं, तो ये परमिशन मिला है कि नहीं, ठीक है, तो ये परमिशन का पेपर चेक करना, ये काम होता है मेन एग्जामिनर का। अब थोड़ा सा अंतर समझिएगा, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, एग्जामिनर चेक करेगा ड्यूटी मिला, ड्यूटी टैक्स भरा है कि नहीं कोई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सही पेपर है कि नहीं, क्वांटिटी कैसा है और क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी कहीं खराब तो नहीं है या अच्छा क्वालिटी, खराब क्वांटिटी का पे करके अच्छे क्वालिटी का माल तो नहीं मंगा रहे हैं, ठीक है, ये चेक करना। प्रिवेंटिव ऑफिसर क्या करता है, अब उसमें देखता है कि इसमें से कुछ स्मगल गुड्स तो नहीं है, ठीक है, इसमें से कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है और कि मतलब जो जिसका इंडिया में ये नहीं है, मतलब इंडिया में उस वो बैंड है, वो चेक करना काम होता है प्रिवेंटिव ऑफिसर का, और बाकी सारा पेपर वर्क चेक करना होता है काम एग्जामिनर का। आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड काम है, ठीक है, और कहीं 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 क्या बहुत जगह पे ये सारे काम दोनों आदमी कर सकते हैं, ठीक है, करते भी हैं, मैं कहाँ कहाँ करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, वो डिटेल में बताऊंगा मैं। सबसे पहले एग्जामिनर का होप सो आप लोग काम समझ गए होंगे, ये तो रहा ये बात वहाँ पे। और अगर मान लीजिए कि ड्यूटी अगर बढ़िया से पे नहीं किया गया रहा है या फिर और भी कोई मतलब बात हो, जैसे क्वांटिटी अच्छा, क्वांटिटी ज़्यादा हो, कम का टैक्स पे किया हो, या क्वालिटी अच्छा मतलब बहुत अच्छा हो, खराब क्वालिटी का पे किया हो, ठीक है, तो उस पर फिर केस बनाया जाता है, वो केस फाइल करना, पंचनामा वगैरह करना, ठीक है, उस पर पूरा असेसमेंट करना, ये सब करके हम लोग बैक ऑफिस में दे देते हैं। और बैक ऑफिस में काम होता है, बैक ऑफिस मतलब मान लीजिए कि हेडक्वार्टर में हम लोग उस फाइल को सबमिट करते हैं, और हेडक्वार्टर में एक और एग्जामिनर बैठे होते हैं। अब एग्जामिनर की पोस्टिंग होती है हेडक्वार्टर में और फील्ड में, दो पोस्टिंग हो सकती है, एक हेडक्वार्टर में और एक फील्ड में, यानी एक डेस्क जॉब और एक फील्ड जॉब। तो डेस्क जॉब में जो रहेंगे वो अब उस पर असेसमेंट करेंगे, उस पर असेसमेंट होगा,
उस पर केस फाइल होगा, कितने चार्जेस लगाना है वगैरह वगैरह, वो सब अपील वगैरह होगा, तो अपील का सेक्शन वहाँ, कुछ विजिलेंस इंक्वायरी किसी में बैठेगा, ऑडिट होगा, ठीक है, सैलरी सेक्शन भी होगा उसमें, किसी को सैलरी में काम लग सकता है, कुछ और भी होते हैं जैसे पर्सनल एंड एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होता है जहाँ पे रिक्रूटमेंट जो होता है वो होता है, वहाँ ढेर सारे सेक्शन रहेंगे, वहाँ भी आपका ड्यूटी लग सकता है, ठीक है, मतलब कहाँ पे आपका यहाँ पे क्या कहते हैं हेडक्वार्टर में, ठीक है, तो हेडक्वार्टर में ड्यूटी होता है ये सारे फाइल्स का असेसमेंट करना और ऑफिस के अलग अलग काम, सैलरी बनाना, ये वो पेंशन फेंशन ये सब सब काम होता है, और फील्ड में क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चेक करना और भी बाकी सब चीज़। ऐसा नहीं है हेडक्वार्टर वाले भी कभी कभी फील्ड में जाते हैं लेकिन वो रेयरली, और हर जगह नहीं, जहाँ स्टाफ का कमी है वहीं पे, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर असेसमेंट के लिए हमको फील्ड वर्क में जाना पड़ता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ है जो कि सही नहीं लग रहा आपको, तो जाके वेरीफाई करने के लिए उसको जाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो रेयर होता है, ठीक है, नॉर्मली आपको डेस्क जॉब ही रहेगा, डेस्क जॉब जो होता है 9 to 5 ही होता है और फील्ड जॉब भी 9 to 5 ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिलेगा, ठीक है, देखिए पोस्टिंग को हम 3 भाग में डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, 3 भाग में डिवाइड करके देखते हैं, तीनों भाग में ऐसे करते हैं हम लोग, एक हेडक्वार्टर रखते हैं, एक रखते हैं डॉक्स या पोर्ट एरिया, ठीक है, और तीसरा जोन 3 जो है वो रखते हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, एयरपोर्ट का कार्गो वाला, एयरपोर्ट में नॉर्मल पीपल का नहीं, पीओ होते हैं नॉर्मल पीपल, जहां मतलब लोगों का बैग वगैरह सब चीज चेक कर सकते हैं हम लोग वो, लेकिन एग्जामिनर जो होते हैं वो कार्गो सेक्शन में जाते हैं, कार्गो सेक्शन मतलब जो कार्गो प्लेन्स आती हैं जिसमें सामान आता है, जिसमें लोग पैसेंजर्स नहीं आते हैं, उसमें सामान आता है, ठीक है, तो वो तो वहां पे जाते हैं, तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में हो सकता है, डॉक्स या पोर्ट एरिया में हो सकता है, और तीसरा हेडक्वार्टर में हो सकता है, ये जोन 1, 2, 3 में मैंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। हेडक्वार्टर में आपको पता है फाइल वर्क, मोस्टली फाइल वर्क होता है, ठीक है, फाइल वर्क में आपको एडमिन का काम मिल सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, जहाँ पे पीएनडी सेक्शन है, पर्सनल एंड एस्टेब्लिशमेंट, सैलरी है, विजिलेंस है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन का काम मिल सकता है, जैसे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, मतलब मान लीजिए कि मुंबई कस्टम को बात करना होगा चेन्नई कस्टम से, या कोई फाइल ट्रांसफर करना होगा, तो एक कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कहते हैं उसको, दूसरे ये से दूसरे मतलब डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना, तो ये कोऑर्डिनेशन होता है, तो कोऑर्डिनेशन सेक्शन भी आपको मिल सकता है, और भी अलग अलग जगह पे मिल सकता है, मतलब ये मतलब ऑफिशियल काम ही रहेगा यहाँ पे, ऑडिट में मिल सकता है आपको, जैसे वहाँ ऑडिट भी 2 तरह का, एक रेवेन्यू ऑडिट और एक इंटरनल ऑडिट होता है, वो दोनों में मिल सकता है आपको, तो मल्टीपल जगह मिल सकते हैं आपको, तो वो जोन 1 मान लीजिए कि अगर हेडक्वार्टर को मानते हैं तो हेडक्वार्टर में ये सब काम, जोन 2 आते हैं, जोन 2 में मान लीजिए कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है, तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में बता दिया बाहर से जो सामान आता है कार्गो, एयर कार्गो के थ्रू, मतलब एरोप्लेन के थ्रू, कार्गो वाली प्लेन्स जो कि सामान ढोने के लिए ही बस यूज होती है, ठीक है, तो वहां पे अगर मिल गया तो वहां पे जो कार्गो आ रहा है उसका ड्यूटी वगैरह चेक करना, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेक करना, क्वांटिटी, उसका क्वालिटी, ये सब चेक करना, ये सब काम होता है, ठीक है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में, और वो फाइनल कौन करता है, एग्जामिनर ही करता है, ठीक है, एग्जामिनर ही पास करता है उस सारे सामान को अपने मतलब जो भी अथॉरिटी से। तीसरा एक होता है डॉक्स, डॉक्स एरिया और पोर्ट एरिया, ठीक है, डॉक्स और पोर्ट एरिया जो होता है वो दो भाग में मान लीजिए बांट सकते हैं उसको, एक होता है इनलैंड कंटेनर डिपो और एक होता है कंटेनर फ्रिज स्टेशन, ठीक है, कंटेनर फ्रिज स्टेशन में क्या होता है कि वहाँ बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, और इनलैंड कंटेनर डिपो में क्या होता है वहाँ भी कंटेनर ही आते हैं लेकिन इनलैंड पोर्ट कह सकते हैं इसको। इनलैंड पोर्ट्स देखिए होता क्या है, बेसिकली मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, कंटेनर फ्रिज स्टेशन जो है वो आएगा समुद्र के पास आएगा, ठीक है, और वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे सामान को रख देंगे। इनलैंड क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि वहीं से सामान जहाँ जाना होगा चला जाता है, वहाँ से सामान फिर आता है एक दूसरे जगह पे, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में सप्लाई करना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दिल्ली में माल को सप्लाई करना है, पूरा दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, थोड़ा सा राजस्थान में, तो इतने एरिया का, ठीक है, करने के लिए अब डायरेक्ट चेन्नई में सामान उतर रहा है, ठीक है, अब चेन्नई से अलग अलग वहीं पे नहीं जाएगा कि ये सामान दिल्ली के लिए, ये सामान यहाँ के लिए, ये सामान यहाँ के लिए, ये सामान यहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ वहाँ पर डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होता है, आप देखते होंगे कि ट्रकों में वही सामान पूरा लोड हो जाता है, पूरा क्या लोड होता है, पूरा सामान ही नहीं, पूरा कंटेनर ही लोड हो जाता है, ठीक है, वो कंटेनर लोड हुआ और वो कंटेनर जो है वो चला जाता है फिर कहाँ पे, इनलैंड पोर्ट्स पे, जैसे मान लीजिए कि एक इनलैंड पोर्ट मेरे को याद आ रहा है पलवल, ठीक है, पलवल में चला गया, तो पलवल में इनलैंड पोर्ट है, तो पलवल इनलैंड पोर्ट पे वो सामान आ जाएगा, फिर वहाँ चेक होगा कि वहाँ से परमिशन मिला है कि नहीं चेन्नई से, चेन्नई में आपका चेकिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ से वो सामान को रिलीज किया जाएगा, बीच में सामान का कोई घपला तो नहीं हो गया, ठीक है, और यहाँ से फिर सामान को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से फिर जाएगा तो दिल्ली जाएगा, यहाँ सब चीज सब जगह जाएगा, सेम रिवर्स प्रोसेस, अगर मान लीजिए दिल्ली के किसी बिजनेसमैन को अगर अपना सामान विदेश भेजना होगा तो डायरेक्ट वो चेन्नई जाकर लोड नहीं कर सकता है, पहले क्या करेगा, वो इनलैंड पोर्ट आएगा, इनलैंड पोर्ट आके
इनलैंड पोर्ट में, वहाँ पे सबसे अपना एक्साइज ड्यूटी जो भी ड्यूटी वगैरह पे करना है, ठीक है, वहाँ पे क्वालिटी चेक होगा वगैरह वगैरह, वहाँ से एक परमिशन मिलेगा तो जाएगा वो चेन्नई या फिर कलकत्ता, जहाँ जिस पोर्ट से उसको लोड करना होगा, फिर वहाँ पे चेक होगा उसका, और उसके बाद वो फिर एक्सपोर्ट के लिए वो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इनलैंड पोर्ट्स का, मतलब पहले इनलैंड कंटेनर डिपो में, उसके बाद कंटेनर फ्रिज स्टेशन में, वहाँ से लोड होकर फिर जहाँ भी सामान जाना होगा जाएगा, और अगर आ रहा है तो कंटेनर फ्रिज स्टेशन, उसके बाद इनलैंड कंटेनर डिपो एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। होप सो आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये डॉक्स एंड पोर्ट्स एरिया होता है, ठीक है। डॉक्स मतलब डिपो एरिया समझ सक कह सकते हैं, और पोर्ट एरिया मतलब फ्रिज स्टेशन जो है, ठीक है, उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी नौकरी लग सकती, मतलब यहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये जोन थ्री मान लीजिए अगर, तो तीन जोन आप लोग समझ गए होंगे कि एक होता है हेडक्वार्टर जहाँ फाइल मोस्टली फाइल वर्क, दूसरा होता है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जहाँ एयरपोर्ट पे मोस्टली उसका ड्यूटी, मोस्टली क्या एयरपोर्ट पे ही ड्यूटी रहता है क्योंकि एयर कार्गो तो वहीं आएगा, और तीसरा होता है इनलैंड फ्रिज स्टेशन, मतलब सॉरी डॉक्स एंड पोर्ट्स एरिया, जिसमें दो होते हैं, एक इनलैंड होता है और एक आपका कंटेनर फ्रिज स्टेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ लग सकता है जो जो इसके सिटीज़ हैं टोटल, तो एग्जामिनर जो है वो टोटल शायद 11 सिटीज़ में है, जिसमें से 6 मेजर सिटी है जो कि डॉक्स एरिया कहलाता है, कोलकाता, कोचिन, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई और गोवा, ठीक है। ये 6 है जो कि मतलब वहाँ पे ये हैं कंटेनर रजिस्ट्रेशन है या कह सकते हैं पोर्ट वाला एरिया है, तो वहाँ तो होगा ही ऑब्वियस है, ठीक है। बाकी इनलैंड पोर्ट्स भी हैं, वहाँ भी एग्जामिनर नहीं जाते हैं जब तक उनका प्रमोशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे मोस्टली डिपुटेशन वाले ही रहते हैं, ठीक है। तो या तो एक्साइज से डिपुट होके आएंगे, या तो फिर पीओ जो है वो डिपुट होके आएंगे, या एग्जामिनर जो है आप प्रेजर बन के वहाँ पे जाते हैं कुछ ट्रेनिंग के लिए या एक साल का पोस्टिंग के लिए, ठीक है। जैसे आपको दिल्ली भेज दिया जाएगा, ठीक है, एक साल के लिए, दो साल के लिए, आपके मन पे है, अगर मान लीजिए नहीं जाना है तो आप मना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनलैंड पे लोग जाते हैं, ठीक है, मोस्टली क्योंकि काम का एक्सप्लोरेशन जिनको पसंद है वो इनलैंड जाते हैं, तो इनलैंड पोर्ट्स पे भी आपको मौका मिलेगा सर्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ जाने के लिए भैया थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, तो पहले 2-3 साल एक्सपीरियंस लोग गेन करते हैं, उसके बाद ही वहाँ जाते हैं, ठीक है। अगर आप पोर्ट्स पे रहते हैं ना, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ आते हैं चेन्नई वर्सेस ऑल सिटीज़। चेन्नई का एक खास बात है और बाकी सिटीज़ का भी एक खास बात है, जैसे मुंबई हुआ, गोवा, विशाखापट्टनम, कोचिन और कोलकाता, ठीक है। क्या खास बात है मैं बताता हूँ, मुंबई और चेन्नई का कंपेरिजन करता हूँ, ठीक है। मुंबई में जो भी एग्जामिनर वाला काम है वो ज़रूरी नहीं है एग्जामिनर ही करता है, ये जो भी काम मैं बताया ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ड्यूटी चेक करना, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स को देखना, ठीक है, ये सारा जो काम है ये मुंबई में बस एग्जामिनर नहीं करते हैं, ये काम प्रिवेंटिव ऑफिसर भी करता है, ये काम अप्रेजर भी करता है, ये काम एग्जामिनर भी करता है, ये काम आपका सुपरिटेंडेंट भी करता है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट, पीओ, एग्जामिनर और क्या कहते हैं वो ये आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है, ये सारे लोग ये सारे काम करते हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब पीओ को भी लगा दिया जाएगा एग्जामिनर की ड्यूटी पे, एग्जामिनर को भी लगा दिया जाएगा पीओ की ड्यूटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल होता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले नहीं था लेकिन शायद 2016 या 15 के बाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जहाँ तक मुझे, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, शायद 16 या 15 के बाद स्टार्ट हुआ है, और बोला गया था कि उस समय स्टाफ का शॉर्टेज है तो हो रहा है, लेकिन होता क्या है गवर्नमेंट में कि एक बार जो चीज़ें रनिंग में आ जाती हैं तो फिर वो जल्दी वापस नहीं होती हैं, तो एक बार कैसे है ना कि एक बार स्टार्ट हो गया तो अब वापस नहीं हो रहा है, वही कंटिन्यू चलते जा रहा है ये चीज़, ठीक है। लेकिन चेन्नई में ऐसा नहीं है, चेन्नई में एग्जामिनर का काम बस एग्जामिनर ही करता है और कोई नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। चेन्नई में एग्जामिनर का काम एग्जामिनर करेगा, पीओ का काम पीओ करेगा, सब कोई अपना अलग अलग काम करेगा, उस डिपार्टमेंट में कोई ये नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। अभी तक ऐसा ही बरकरार है, आगे आने वाले फ्यूचर में पता नहीं, लेकिन अभी तक ऐसा ही होता है, बाकी जगह ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और बाकी तो गोवा हुआ, कोचिन, विशाखापट्टनम, ये सब कोलकाता, ये सब छोटा छोटा स्टेशन, कोलकाता भी छोटा ही है क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे सिप ज़्यादा नहीं आते उसके लोकेशन की वजह से, क्योंकि देखिए यूरोप वगैरह से जो भी सिप आएंगे इधर आपका क्या कहते हैं इधर चेन्नई वगैरह में, चेन्नई से बहुत ज़्यादा होता है, और मुंबई में सऊदी अरबिया वगैरह जो भी है उससे लेकर मुंबई आसान है, ठीक है। तो JNPT पोर्ट में सारा आता है, और इधर से आपका ईस्ट से कोई भी कारोबार होगा वो तो चेन्नई से ही हो जाता है, तो ये कलकत्ता में बहुत कम ही पहुंच पाता है क्योंकि चेन्नई पहुंचना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कलकत्ता, ठीक है। कोलकाता में थोड़ा सा अंदर तक पहुंचना मुश्किल भी है क्योंकि फिर आपको टाइड्स का वेट करना पड़ता है पूरा सिप को, बड़ी बड़ी जहाज़ें तो जा नहीं पाती, थोड़ी छोटी जहाज़ें जाती हैं वो भी टाइड्स के सहारे, हाई टाइड्स जाता है तो पोर्ट जाके वहाँ कलकत्ता तक ये वहाँ पे लगता है, क्या कहते हैं उसको, कलकत्ता पोर्ट तक जो हुबली नदी के सहारे जो निकलता है वहाँ तक, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब क्या होता है, काम समझ गए होंगे आई थिंक, और किस जोन का क्या खासियत है वगैरह वगैरह, ये भी थोड़ा सा हल्का फुल्का बता दिया, ठीक है। दूसरी बात, जब आपका
जो भी ये होता है, जो भी आपका ज्वाइनिंग वगैरह हुआ, उसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ट्रेनिंग जो है वो सेम नासिन में होती है, जैसा कि पीओ का होता था, जैसा एक्साइज इंस्पेक्टर का होता है, वैसे एग्जामिनर का भी नासिन में ही ट्रेनिंग होता है, ठीक है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि उनकी आर्म्स ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि पीओ और एग्जामिनर में आप देखे होंगे और नार्कोटिक्स वगैरह में कि आर्म्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ आर्म्स की ट्रेनिंग नहीं होती है, यहाँ पे नॉर्मल ट्रेनिंग होती है बस। मतलब जो 14 सप्ताह का जो होता है ना, मतलब 2 से 3 महीने का, नॉर्मली 3 महीने का होता है, कितना 90 दिन का या इसी तरह होता है, 90 दिन 100 दिन का होता है ट्रेनिंग, ठीक है, तो वो होता है। आप मेरा नासिन वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं कंप्लीट बताया हुआ, उसमें आप आर्म्स वाला जो ट्रेनिंग होता है उसको स्किप करके बाकी जो ट्रेनिंग होता है उसको देख लीजिए, क्या क्या अकोमोडेशन मिलता है, क्या क्या होता है, क्या क्या पैसा लगता है, ये सब चीज़ उसमें बताया गया है, ठीक है। और अभी एक एक्साइज इंस्पेक्टर है कुणाल राज, आप लोग शायद पता होगा, आप एट द रेट ऑफ कुणाल की जर्नी से, जो उनका यूट्यूब चैनल है, तो उससे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे ही चैनल पे शेयर किया था, उनका इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किया था, तो वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर नासिन का ट्रेनिंग आपको करना है तो। हाँ, आर्म्स वाला आप छोड़ सकते हैं अगर आप एग्जामिनर का देखना चाह रहे हैं तो, क्योंकि आर्म्स की ट्रेनिंग इसमें नहीं होती है, जो 14 दिन की आर्म्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो नहीं होती है, ठीक है। आगे आते हैं, नासिन में जो होता है वहाँ पे दो चीज़ सिखाया जाता है जनरली, ठीक है, दो एक्ट होता है, एक होता है कस्टम्स एक्ट 1962, याद रखिएगा कस्टम्स एक्ट 1962, और दूसरा होता है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, ठीक है। ये दो एक्ट मोस्टली आपको बताया जाएगा, इस पर कैलकुलेशंस वगैरह सब चीज़ करके बताया जाएगा, कहाँ मतलब कैसे गड़बड़ी होता है, कैसे एक्ट को मतलब पढ़ा जाता है वगैरह वगैरह सब चीज़ बताया जाएगा। मतलब पूरा कस्टम्स जो है ना इसी दो एक्ट पे बेस्ड है, कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 पे बेस्ड है, ठीक है। ये तो हो गया ओवरव्यू, एक पूरा बता दिया मैंने एग्जामिनर के बारे में। अब आते हैं एग्जामिनर के सैलरी पे, ठीक है। सैलरी देखिए, सैलरी जो होता है एग्जामिनर कोई अलग नहीं है, 4600 ग्रेड पे कहीं पोस्ट है, अलग कोई सैलरी मिलता नहीं है, क्योंकि अलग बस मिलता है ईडी में और सीबीआई में, उनको शायद ईडी में 20% एक्स्ट्रा मिलता है और सीबीआई में शायद 13 महीने का सैलरी मिलता है, 12 मंथ का नहीं, 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है उनको, ठीक है। तो वो छोड़ के बाकी सब जो 4600 ग्रेड पे हैं सबका सेम ही सैलरी है। तो सैलरी के लिए अब सैलरी टोटल कितना बनेगा आफ्टर टैक्स, ठीक है, वो मेरा आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा कंप्लीट डिटेल में बताया गया है सैलरी कैसे डिफाइन होता है। मैं फिर से बता दूं कि उस चीज़ पे विश्वास मत कीजिएगा जो सैलरी स्लिप रहता है ना, इतना टैक्स मेरा बन, इतना मेरा सैलरी बना, 73,000 फलाना ठिकाना, ठीक है। आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बताया हूँ कि टैक्स भी लगता है आपका, 80 से 90 हज़ार आपका टैक्स लग जाता है, तो टैक्स लगने के लिए हर महीना पता चलेगा आपका 7-8 हज़ार कट जा रहा है पैसा, तो इन हैंड सैलरी आपका आ ही नहीं रहा है। वीडियो देख के गए हैं कि 75,000 सैलरी है और यहाँ आ रहा है 60,000-70,000, मतलब 65,000, ठीक है, ऐसे तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा, बजट बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, टैक्स कितना लगेगा और टैक्स कैसे बचाना है, ठीक है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों का कमेंट भी बहुत सारा आया है कि सर बताइए कैसे टैक्स बचेगा, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी एक रेफरेंस लेना पड़ेगा किसी का, ठीक है, कहाँ कहाँ टैक्स बचता है, या फिर मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ थोड़ा सा चीज़ों को इकट्ठा करने में। खैर, मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि मैं इनकम टैक्स नहीं हूँ, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ टैक्स बचता है या फिर क्या क्या कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है, तो मैं कर दूंगा उसको, आप टेंशन मत लीजिए। मतलब थोड़ा सा इधर मैं बिजी चल रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं बनाऊंगा, तुरंत बनाऊंगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके प्रमोशंस पे। देखिए, एग्जामिनर का प्रमोशन वन ऑफ द बेस्ट जॉब कह सकते हैं अगर प्रमोशनल एस्पेक्ट से देखें तो, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रमोशन जो है वो पीओ से भी ज़्यादा अच्छी है। पीओ में आपको मैं बताया था कि हार्डली 2 प्रमोशन, या बहुत ज़्यादा आप लकी हुए तो आपका 3 प्रमोशन होता है, ठीक है, जहाँ पे आप डिप्टी कमिश्नर तक बनते हैं। मतलब पीओ से लेके, पीओ से क्या बनते हैं आप, ये सुपरिटेंडेंट से आप बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट से लास्ट डिप्टी कमिश्नर। वो डिप्टी कमिश्नर कौन बनेगा जिसका बहुत जल्दी ये हो गया है, तो मतलब जिसका बहुत जल्दी ये नौकरी लग गया, जैसे 23 साल में 25 साल में ही जॉब लग गया है, वो जो 28-30 में लगा है उसका मुश्किल है। लेकिन अगर आप आते हैं एग्जामिनर में, तो एग्जामिनर में प्रमोशन से एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। एस्पेक्ट्स क्यों अच्छे हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि प्रमोशन से आप डायरेक्ट बनते हैं। पहला जो प्रमोशन होता है, पहले तो 3 साल के बाद एलिजिबल होते थे, लेकिन अब 2 साल के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं आप एग्जाम देने के लिए। तो उसके बाद आप एग्जाम दे के निकाल सकते हैं। एग्जाम मान लीजिए आप निकाल लिए, ठीक है, तो उसके बाद 3 साल से लेके 5 साल तक, पहले तो 3 साल में हो जाते थे लोग, अप्रेजर बन जाते थे, क्योंकि चेन्नई में 3 साल में लोग बन गए थे। मुंबई में थोड़ा स्लो है, मुंबई में 4 से 5 साल लग जाता था, लेकिन अभी चेन्नई में भी देख रहा हूँ कि मैं बात किया था तो चेन्नई में भी 3 से 4 साल तो लग ही रहा है, और मुंबई में 5 साल कंप्लीट लग रहा है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि 2015 बैच का जो बने, 2015 बैच 2021 में बना, क्योंकि बीच में कोविड के टाइम में थोड़ा सा प्रमोशन डिले हो गया था, लेकिन मतलब 6 साल लग गया मुंबई में, तो थोड़ा सा प्रमोशन डिले हो गया है अभी, ठीक है। 2020 में भी कुछ लोग बने, कुछ लोग 2021 में, एक ही बैच एक ही साथ सारा नहीं बन पाते हैं लोग, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके एलिजिबिलिटी लिस्ट पे, ठीक है। और कोलकाता में थोड़ा सा स्लो है,
ठीक है, ज़्यादा स्लो नहीं है, मतलब मुंबई के कंपेयर में ही है, ठीक है, और बाकी जगह भी वैसा ही है, बस चेन्नई में बहुत फास्ट है, ठीक है। तो अभी लेकिन चेन्नई में भी 4 साल लग ही जा रहा है, ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा आप। तो ये नहीं कि कोई बोल दे कि 3 साल में आप रिजर्व हो जाओ, ये हो जाओ, तो उस पर विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है। 3 साल में आप इलिजिबल हो जाते हो, ये है कि 3 साल में इलिजिबल हो जाते हो, आपका प्रमोशन आ सकता है, लेकिन क्या है, अभी अप्रेजर का सीट ही नहीं है, ठीक है, या सीट है भी तो मान लीजिए 70 सीट है और आपका रैंकिंग जो है उसमें है 130वें नंबर पे है, मतलब आपके कैटेगरी लिस्ट में आप 130वें, तो पहले 70 का होगा, फिर अगले साल जो आएगा उसमें मान लीजिए फिर होगा आपका, तो 1 साल और डिले होगा। तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए अप्रेजर जो है वो मतलब मोस्टली आप मान के चलो कि 5 साल के अंदर आप बन जाओगे या 5 साल तक बन जाओगे अप्रेजर, ठीक है, 100%। इसमें अभी तक मतलब 5 साल से डिले नहीं होगा। तो पहला प्रमोशन अप्रेजर, 3 से 5 साल लेके चलिए। दूसरा प्रमोशन असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर जो बनते हैं उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, अप्रेजर से 8 से 10 साल लग सकते हैं, मतलब मिनिमम 8 साल, मैक्सिमम 10 से 12 साल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद डिप्यूटी कमिश्नर आप बन जाएंगे 4 से 6 साल में, और ज्वाइंट कमिश्नर तक भी जाएंगे 4 से 6 साल या थोड़ा सा ज़्यादा भी, 7 साल मान लीजिए ज़्यादा। तो अगर टोटल देखें तो अप्रेजर के लिए मान लीजिए कि मैक्सिमम अगर देखें तो 5 साल, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर 10 साल, 15 साल हो गया, 15 के बाद 6-7 साल मान लीजिए आप डिप्यूटी कमिश्नर पे, 15-6-21, और 6-7 साल मान लीजिए आप ज्वाइंट कमिश्नर पे, यानी 21 और 6 या 7 जोड़िए तो 28, यानी लगभग लगभग 30 साल तक आप ज्वाइंट, 30 साल के सर्विस में आप ज्वाइंट कमिश्नर बन जाओगे। तो मोस्टली जो 30 साल के ही आप लोग होते हैं, क्योंकि 18 से 30 तो एज ग्रुप का ही है ही वो, ठीक है, तो या फिर OBC के लिए थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 30 ईयर्स का सर्विस है तो आप एग्जामिनर में ज्वाइंट कमिश्नर तक बन जाते हो। अगर बहुत पहले आपका नौकरी लग गया, मान लीजिए कोई 23 साल में एग्जामिनर बन गया है, तो ज्वाइंट कमिश्नर से एक ऊपर और बन सकता है जो कि है असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, मतलब कमिश्नर वाला तो टैग लगना फिक्स है, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर से वो रिटायर होगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसका मतलब 4 प्रमोशन, या अगर छोटे जॉब छोटे से हैं आप और मतलब 23 साल 24 साल के ही हैं आप, तो आपका 5 प्रमोशन होगा, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा, बशर्ते आप अप्रेजर का एग्जाम जल्दी से निकाल लें, जल्दी से अप्रेजर बन जाए, फिर उसके अकॉर्डिंगली और आपका सब चीज़ ठीक रहे, मतलब सब चीज़ ठीक आप समझ रहे होंगे, ठीक है, मतलब विजिलेंस इंक्वायरी कोई नहीं बैठे, कोई भी एलिगेशंस नहीं लगे आपके, तो प्रमोशन जल्दी जल्दी मतलब प्रमोशन है अच्छे इस पे। तो प्रमोशन इस पे अच्छे हैं एज कम्पेयर टू प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, ठीक है, क्योंकि आप इसमें 4 या 5 प्रमोशन अवेल कर सकते हैं। तो अगर मैं, ये तो रहा प्रमोशन का बात, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ प्रोज का, तो प्रोज आप लोग तो सभी जानते हैं, प्रमोशन अच्छा है, सोशल स्टेटस अच्छा है, कोई भी बोलेगा, कस्टम्स को कोई भी लोग जानते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोज, ठीक है, मैं बताऊँगा आपको, सुन के भी अच्छा लगेगा। एग्जामिनर एक ऐसा जॉब है ना जिसपे आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में। सपोज कीजिए आपका सपना है कि एक बार मैं ED में काम करूँ, एक बार एग्जामिनर में काम करूँ, एक बार CBI में काम करूँ, सब में काम कर करके देखूँ। ऑब्वियसली एग्जाम निकाल के ये तीनों जगह नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक बार 2020 के वैकेंसी से आप एग्जामिनर बने, 2021 के वैकेंसी से आप CBI में बने, 2022 के वैकेंसी से आप फिर ED में गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब इतना एग्जाम चले दो तक ठीक है, 3 बार लगातार एग्जाम, वो भी अच्छे अच्छे रैंक से, मुश्किल ही होता है, ना के बराबर, हाँ ऐसा नहीं कर सकते ना के बराबर, क्योंकि लड़के टैलेंटेड होते हैं आजकल के यार, बहुत ज़्यादा, इतना इतना कट ऑफ जा रहा है SSC का, तो ऑब्वियस है, तो हो सकता है, लेकिन फिर भी आपका एक एक साल हर जगह रहेंगे तो एक्सपोजर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एग्जामिनर में जाते हो, ठीक है, तो आपको एक डेपुटेशन का चांसेस मिलता है, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर में ही, अप्रेजर भी बन जाते हो तब भी मिलता है, ठीक है। आप अगर एग्जामिनर में जाते हो, एग्जामिनर के पोस्ट पे जाते हो, ठीक है, उसमें इंटरनल निकलता है, कभी कभी आते रहता है हमेशा इंटरनल में, कि ईडी के लिए डेपुटेशन पे मान लीजिए कि चेन्नई जोन से 40 एग्जामिनर को मांगा गया, उसमें आप अपना डेपुटेशन के लिए भरते हो कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, उसमें मिनिमम एक्सपीरियंस कुछ 2 साल का होता है, ठीक है, तो जाना चाहते, फिर आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, आपका एक अपार चेक किया जाएगा, अपार होता है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो भी कहते हैं, ठीक है, APAR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जो हर साल आपके लिखते हैं आपके काम के बारे में, कि और उसका रैंकिंग दिया जाता है 10 में, कि आप जो है वो मतलब कितना अच्छा है आपका परफॉर्मेंस अपने डिपार्टमेंट में, तो वो सब के आधार पर आपको वहाँ पर लिया जाता है ED में डिप्यूट। तो ED में जब भी लिया जाएगा तो वहाँ 3 साल के लिए आपको डिप्यूट किया जाएगा, ठीक है, तो ED में भी काम करने का आपको 3 साल मौका मिलेगा। फिर कभी CBI का आएगा तो आप CBI में भी जा सकते हैं, तो CBI में जैसे ही आएगा तो फिर आप CBI में अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो CBI भी 3 साल के लिए घूम लीजिएगा, इधर एग्जामिनर भी, इधर ED भी, तो एक्सपोजर इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मतलब आप वर्कहोलिक हैं और आप अपने लाइफ में एक्सपोजर चाहते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम करूँ, मज़ा आएगा, सारे डिपार्टमेंट का काम सीखूँ, इसका भी मेरे पास आई कार्ड, उसका भी आई कार्ड, उसका भी आई कार्ड होगा, तो आपके लिए एग्जामिनर बहुत अच्छा है। उसमें एक और देख सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, जैसा कि PO में बताया था कि मतलब अगर ये गेट ऑफिसर में लग जाए तो 12-12 घंटे का शिफ्ट कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ नहीं है, 9 से 5 ही ड्यूटी है, ठीक है, तो आप मतलब
हाउस जो भी मतलब क्या कहते हैं फैमिली लाइफ है और वर्क लाइफ है, दोनों बैलेंस करके ही चलेंगे, दोनों में बराबर टाइम आप दे पाएंगे। ठीक है, कॉन्स में देखें तो कॉन्स में तो कुछ कुछ खास है नहीं। कॉन्स मतलब बुराई के यार, इतना अच्छा पोस्ट है, इसका क्या बुराई कर सकता है। हाँ एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर जैसे लोग पंजाब के हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के हुए हैं, तो वो सब कैंडिडेट्स मध्य प्रदेश के हुए हैं, तो वो सब कैंडिडेट्स का होम पोस्टिंग कभी नहीं हो सकता है। होम पोस्टिंग भी हो भी सकता है तो 1-2 साल के लिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो पोर्ट्स इलाका में ही होता है, तो होम पोस्टिंग मुश्किल है यहाँ पे जैसे कि बाकी डिपार्टमेंट्स से होता है। तो बस यही एक कॉन्स मेरे को दिखा, और कुछ कॉन्स तो है नहीं, बाकी और भी कॉन्स होंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इन सब चीज़ के लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, एक हैं अमरिंदर प्रताप जो कि एज ए मेरे मेंटर भी रह चुके हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत ही जेन्युइन पर्सन कह सकते हैं उनको। 2014 बैच से वो एग्जामिनर है थे, अभी वो अप्रेजर में है और अभी इनलैंड पोर्ट पे हैं, वो पोस्टेड कलकत्ता में हुआ था उनका, कलकत्ता उन्होंने लिया ही था, ऑल ओवर इंडिया रैंक 9, ठीक है, 2009 में ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, ऑल ऑल कैटेगरी मुझे याद नहीं है, और मतलब ओबीसी कैटेगरी में 9th रैंक था उनका। तो वो एग्जामिनर है, तो उन्होंने मेरे को ये सारा चीज़ बताया था, ठीक है, बहुत हेल्प किया था, मैं बाकी सोर्सेज से भी इकट्ठा किया था बहुत सारा चीज़, लेकिन बहुत खास रोल रहा। तो थैंक यू अमरिंदर भैया, और मिलते हैं फिर अगले अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और यार बहुत दुख होता है जब मैं सब्सक्राइबर वर्सेस नॉन सब्सक्राइबर देखता हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मतलब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोई मेरे वीडियो को पसंद करके उसको चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है तो और भी वीडियो बनाने का अच्छा अच्छा कंटेंट डालने का मन करता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Have a nice day. Bye-bye.